टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सो रिजोल्विंग पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट रिप्रेजेंट एबिलिटी इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस डिस्टिंगली सेपरेट स्पेक्टर लाइन्स ऑफ लाइट हैविंग टू और मोर वेबलेंथ वेरी क्लोज टू इच अदर सो अगर हमारे पास किसी सोर्स से हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यहाँ पर है ये इसे लाइट स्लिट को देते हैं और इससे हमारे पास ये रेज निकलती है और फॉल करती है कॉन्वेक्स लेंस एल वन पर ये एक प्रिज्म लिया है जिससे ये रेज जो है हमारे पास डिफ्लेक्ट हो गए दूसरे लेंस पर पड़ती है और लेमडा वन और लेमडा टू ये हमारे पास दो स्पेक्ट्रल लाइन्स में ये विभक्त हो जाती है तो टू लाइंस इन द स्पेक्ट्रम जो स्पेक्ट्रम आएगा इसमें द टू लाइंस इन द स्पेक्ट्रम एक्चुअली टू फ्रॉन ऑफर पैटर्न है हमारे पास क्लोज टुगेदर ये क्लोज टुगेदर हैं हैविंग एन इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज शोन इन फिगर ये हमारे पास फिगर है इसमें ये जो वेव फॉर्म यहाँ पर हमें दिखाई देगी और ये दिखाई देगी यहाँ पर ये लेमडा वन के लिए और लेमडा टू के लिए ये अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग है तो ये हमारे पास कंडीशन होगी रिजोल्ट की यानी कि हम इनको अलग अलग देख सकते हैं अगर ये कंडीशन आती है हमारे पास एक दूसरे के और करीब करीब और लैप है तो जस्ट नोट रिजोल्ट हमारे पास रिजोल्विंग कंडीशन हमें इसका रिजल्टेंट क्या होगा ये इंटेंसिटी हमें दिखाई देगी यहां पर अलग अलग दिखाई देंगी इंटेंसिटी और यहां पर एक ही इंटेंसिटी हमारे पास दिखाई देगी uh, तो इफ द ओवरलैपिंग इज ऑनली टू ए लिटिल एक्सटेंट ये टू लिटिल एक्सटेंट है इन द प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ द टू पैटर्न आर डिस्टिंग आर डिस्टिंग है ना ये डिस्टिंग है यहां पर द लाइन्स आर देन सेट टू बी ओल्ड ये हमारे पास दीज लाइन्स आर सेट टू बी ओल्ड एंड इन दिस कंडीशन दीज लाइन्स आर नॉट टू बी रिज़ोल्ड तो ये हमारे पास अगर रैलीस हमारे पास जो क्राइटेरियन है ठीक है ना तो ये हमारे पास रैलीस क्राइटेरियन हमारे पास क्या कहता है कि हमारे पास अगर एक वेव फॉर्म ये है और दूसरी वेव फॉर्म ये है इसका मैक्सिमा इसके मिनिमा इसका मिनिमा फर्स्ट फर्स्ट का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा एक ही पॉइंट पर अगर पड़े तो ये द टू स्पेक्ट्रम द टू लाइन्स विल बी रिजोल्ट रिजोल्व हो जाएंगे तो द टू स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रोलाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी आर जस्ट रिजोल्व बाई एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देन द प्रिंसिपल मैक्सिम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू वन फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ द अदर ये हमारे पास कंडीशन आएगी तो पहले का मैक्सिमा और दूसरे का मिनिमा हमारे पास एक ही पॉइंट पर पड़े तो ये दो इस ये कंडीशन जो है रिजोल्विंग uh, कंडीशन हमारे पास क्या लगे तो इट का मन हमने टू स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए इनकी इक्वल होनी चाहिए आर जस्ट रिजोल्व बाय एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट व्हेन द प्रिंसिपल मैक्सिमा प्रिंसिपल मैक्सिमा ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ड्यू टू वन ये ड्यू टू वन है है ना फॉल्स ऑन द फर्स्ट मिनिमम ऑफ द डिफ्रेक्शन पैटर्न ऑफ द अदर ये दूसरे का है तो ये एक ही पॉइंट ऑफ पड़ेगा तो ये हमारे पास रिजॉल्विंग कंडीशन ये कंडीशन हमारे पास रही क्राइटेरियन कहलाती है तो इफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट दिजोल्व द स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ द देंथ लेमडा है दूसरे की लेमडा प्लस डी लेमडा अगर हमने द लेडा अपॉन डी इज टेकन एज द मेजर ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रुमेंट ये हम इसको कहेंगे रिजॉल्विंग पावर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हम क्या कहेंगे लेमडा अपॉन डी लेमडा इज टेकन एज द मेजर ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट हम ये कहलाएंगे इसको हम कैपिटल आर से भी डोनेट करते हैं अब रिजॉल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग अब ये हमने डिफरेंट ये ग्रेटिंग ली है ये वाली इसमें जो डिस्टेंस है हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का वो ई प्लस डी जैसे हम पहले, ले, पहले लेक्चर्स में लेते थे सिलिट का और ये ओपिक्यू ऑब्जेक्ट है तो टोटल डिस्टेंस वन का ये ई प्लस डी स्मोल ई प्लस डी लेते हैं तो यहाँ से दो वेव्स हमारे पास डिफरेंट वेव लेंथ की निकली हैं जाती हैं लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा यहाँ भी लेमडा प्लस लेमडा एंड लेमडा एंड

एनथ प्रिंसिपल मैक्सिमम ऑफ द लेमडा जिसका यह हमारे पास है इज फॉर्मड इन द डायरेक्शन थीटा एन अगर ये थीटा एन में पड़ता है हमारे पास ये वाला तो वी हैव दो मैक्सिमम कंडीशन है हमारे पास ग्रेटिंग के लिए वो क्या है ई प्लस डी साइन थीटा एन इक्वल टू एन लेमडा जो हमने लास्ट केसेज में किया था ई प्लस डी क्या है हमारे पास ब्लीटिंग एलिमेंट है तो लेट द फर्स्ट मिनिमम एडजस्टमेंट टू द एनथ मैक्सिमा इज ऑप्टेन इन द डायरेक्शन थीटा एन प्लस डी theta n तो इन द डायरेक्शन theta n plus d, d theta n में हमारे पास क्या आ गया दूसरी वेवलेंथ का हमारे पास क्या आ गया वो मिनिमा आ गया ठीक है ना एट एन एंगल theta n plus d theta n तो लेट द फर्स्ट मिनिमा एडजस्टमेंट टू द एनथ मैक्सिमा बी ऑब्टेंड इन द डायरेक्शन theta n plus d theta n द ग्रेटिंग इक्वेशन फॉर द मिनिमा हमारे पास क्या हो जाएगी ये हो जाएगी जो हमने लास्ट लेक्चर्स में देखी है पढ़ी है तो कैपिटल n e d sin theta इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एन लमडा के बराबर हो जाएगा ये तो वेयर एन जो है हमारे पास इज द टोटल नंबर ऑफ ऑन ये अगर टोटल नंबर ऑफ रूलिंग हमारे पास कितनी है इसमें कैपिटल एन है देख रहे हैं आप तो, ये टोटल रूलिंग हमारे पास कैपिटल एन ली है हमने तो कैपिटल एन इज द टोटल नंबर ऑफ रूलिंग इन द ग्रेटिंग एंड मे एम एम जो है ये हमारे पास टिक्स द जीरो कैपिटल एन टू एन टू एन स्मॉल एन इन कैपिटल एन ये हमने कंडीशन देखी थी कि इन कंडीशन पे क्या मिलेगा हमें मैक्सिमम मिलेगा जबकि इन दोनों के बीच में हमने मिनिमम मिलेगा ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा है ना

तो इफ दिस मिनिमम इज ऑप्टेंड इन द डायरेक्शन थीटा एन प्लस डी थीटा एन पर हमारे पास क्या है मिनिमम मिनिमम मिलता है तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास वो क्या हो जाएगी कैपिटल एन ये इक्वेशन है कैपिटल एन ई प्लस डी साइन थीटा एन प्लस डी थीटा एन ये हमारे पास क्या हो गया एन इंटू कैपिटल एन प्लस वन इंटू लेमडा हमारे पास ये आ गई इक्वेशन तो ये जो इक्वेशन थी एन प्लस डी थीटा एन इक्वल टू एन कैपिटल एन प्लस से डिवाइड हो जाएगा इन टू हो जाएगा ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई मिनिमा की कंडीशन आ गई मिनिमा की कंडीशन तो हमारे पास जो है बाई रियन दूथ लेन डेमडा प्लस डी लेमडा इज जस्ट रिजोल्ड बाय ग्रेटिंग ऑफ लेमडा ऑफ लेमडा प्लस डी इन द डायरेक्शन थीटा एन प्लस डी हैव फॉर्म फ्रॉम वन फ्रॉम इक्वेशन वन ये हमारे पास इक्वेशन वन है तो e प्लस डी साइन थी टाइन प्लस डी थी टाइन के आ जाएगा एन इंटू लेमडा प्लस डी लेमडा के बराबर हो जाएगा तो बाय कंपेयरिंग ये भी इसको कंपेयर इससे कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये दिस विल बी इक्वल टू दिस आ जाएगा तो एन इंटू कैपिटल एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस इंटू लेमडा इक्वल टू एन लेमडा प्लस डी लेमडा आ जाएगा तो इसको हम क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें ये हमारे पास ये है इसको हम मल्टीप्लाई कर दें क्रॉस मल्टीप्लेन तो एन कैपिटल एन लेमडा प्लस लेमडा इक्वल टू कैपिटल एन एन स्मॉल एन इंटू लेमडा प्लस कैपिटल एन इन टू एन इंटू डी लेमडा और लैमडा इक्वल टू ये हमारे पास इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो लैमडा इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन इंटू डी लेमडा आ जाएगा तो लैमडा अपॉन डी लेमडा इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन तो ये हमारे पास क्या है रिजोल्विंग पावर है तो आर विल बी इक्वल टू कैपिटल एन इंटू स्मॉल एन तो एज लैमडा ऑन डी ले रिजोल्विंग पावर ऑफ द ग्रेटिंग आ जाएगा द रिजोल्विंग पावर ऑफ ए ग्रेटिंग इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड द टोटल नंबर ऑफ रूलिंग्स ये क्या है टोटल नंबर ऑफ रूलिंग्स है ना ऑफ द ग्रेटिंग तो इक्वेशन सिक्स जो हमारे पास है वो हम क्या आ गया हमारे पास आर इक्वल टू कैपिटल एन इन टू एन और फ्रॉम इक्वेशन वन से देखें आप ये तो हमारे पास जो है कैपिटल एनथ एजी से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी स्मोल एन की ई प्लस डी साइन थीटा एन एन प्लस डी साइन थीटा एन डिवाइड बाई ले के बराबर आ जाएगी तो बट एन इंटू ई प्लस डी ये हमारे पास क्या है टोटल विर्थ है इसकी है हमारे पास ग्रेटिंग की क्योंकि ई प्लस डी वन ग्रेटिंग की लेंथ है तो टोटल e, जो है एन इंटू ई प्लस डी जो है टोटल विर्थ ऑफ द ग्रेटिंग हो जाएगी तो हैंट ए पर्टिकुलर एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन थीटा एन द रिजोलिंग पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टोटल विर्थ टोटल विर्थ ये आर जो प्रोपोर्शन किसी हो जाएगी एन कैपिटल एन इंटू ई प्लस डी ये टोटल विर्थ की प्रोपोर्शन हो जाएगी ऑफ द रूल्ड स्पेस ऑफ द ग्रेटिंग ये हमने निकाला है अब हम क्रोटमिक क्रोमेटिक रिजोल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म ये निकालेंगे इसमें तो यहाँ पर हमने क्या किया है द क्रोमेटिक रिजोल्विंग पावर ऑफ प्रिज्म रिप्रेजेंट इट्स एबिलिटी टू फॉर्म सेपरेट स्पेक्ट्रल लाइंस फॉर वेवलेंथ वेरी क्लोज टू तो वेरी क्लोज टू तो हमने दो वेव वेव्स ही हैं यहाँ पर एक लैम्डा के वेवलेंथ की और दूसरी लैम्डा प्लस डी लैम्डा की जो कि फॉल कर रही हैं कहाँ फॉल कर रही हैं हमारे पास प्रिज्म पर प्रिज्म कौन सा है हमारे पास सेक्शन ये ए बी सी ये है पीबी क्या है हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है और ये हमारे पास जो है सीक्यू एंड सीक्यू डैश जो है वो आउटपुट का ये हमारे पास वेव फ्रंट है तो ए बी सी हमारे पास क्या है द सेक्शन ऑफ द प्रिज्म दैट ए प्लेन वेव फ्रंट बी पी ऑफ लाइट ऑफ वेव लेंथ लेमडा एंड लेमडा प्लस डी लेमडा बी सीडेंट ऑन द प्रिज्म विच इज प्लेस्ड इन इन द पोजिशन ऑफ मिनिमम डाइविएशन मिनिमम डाइविएशन हमारे पास जो है ये हम देखिए आप इसमें ये लेमडा के लिए डाइवेशन आ गया डेल्टा और लेमडा प्लस डी ले के लिए डाइविएशन आ गया डेल्टा माइनस डी डी डेल्टा ठीक है ना तो विच इज प्लेस इन द पोजिशन ऑफ द मिनिमम डेविशन सी क्यू एंड सी क्यू डैश सी क्यू एंड सी क्यू डैश सी क्यू किस के लिए लेमडा के लिए और सी क्यू डैश हो गया लेमडा प्लस डी लेमडा के लिए इमरजेंट वेव फ्रंट हमारे पास हो गए तो क्रोमेटिक पावर ऑफ ए प्लेसमेंट इट्स एबिलिटी टू फॉर्म सेपरेट स्पेक्ट्रल स्पेक्ट्रोलाइम्स फॉर एवलेंथ वेरी क्लोज टूगेदर ये निकालना है हमें तो डेल्टा एंड डेल्टा डेल्टा एंड डेल्टा माइनस डी डेल्टा विद एंगल ऑफ डेविएशन ये हमारे पास डेल्टा हो गया और ये डेल्टा माइनस डी डेल्टा एंगल ऑफ डेविएशन हो गए जिससे ये रेज हमारे आगे बढ़ाएं तो यहाँ पर मिलती है इससे ये डेविएट होगी इस पर ये डेविएट होगी यहाँ पर ये लैम्डा वाली और ये लैम्डा प्लस डी लेमडा वाली डेविएशन होगी तो इसके कॉस्पॉन्डिंगली जो रिफेक्टिव इंडेक्स होंगे हमारे पास लैम्डा के कॉस्पॉन्डिंग रिफेक्टिव इंडेक्स क्या होगा म्यू और लैम्डा प्लस डी लेमडा के क्रॉसपॉन्डिंग रिफेक्टिव इंडेक्स होगा म्यू माइनस डी न्यू क्योंकि यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल है तो डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉस्पॉन्डिंग वेल ऑफ लैमडा एंड लैमडा प्लस डी लैमडा रेस्पेक्टिवली अब हमारे पास क्यू डैश सी क्यू क्यू डैश और सी क्यू ये हमारे पास कितना हो जाएगा डी डी डेल्टा के बराबर हो जाएगा क्यों हमारे पास डी डेल्टा के बराबर हो जाएगा तो ये हमारे पास डेल्टा था ये और ये हमारे पास जो है डी डेल्टा हमारे पास आ जाएगा ये डी डेल्टा ये हमारे पास आ गया तो डी डेल्टा जो है हमारे पास क्यू q डी डेल्टा के बराबर आ जाएगा क्योंकि इसमें इमरजेंट वेव फ्रंट में जो डिफरेंस हो जाएगा वो डी डेल्टा का हो जाएगा इसमें तो द बाय फॉर्मेट प्रिंसिपल द ऑप्टिकल पाथ बिटवीन द इंसिडेंट एंड द इमरजेंट वेव फ्रंट फॉर द फॉर एनी वेव लेंथ मस्ट बी सेम दोनों के लिए सेम होना चाहिए तो वेंस वी द फॉर द वेव लेंथ लेमडा के लिए लेमडा के लिए हमारे पास क्या पाथ पी ए प्लस ए क्यू पी ए ये हो गया और ए क्यू हमारे पास ये हो गया किसके बराबर होना चाहिए म्यू टाइम्स ऑफ बी सी के बराबर होना चाहिए तो और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के लिए पी ए तो ये हो गया और ये ए क्यू डैश हो गया तो, तो पी ए प्लस ए क्यू डैश इक्वल टू म्यू माइनस डी न्यू इंटू बी सी ये लैम्डा प्लस डी लैम्डा के वेवलेंथ के लिए कॉस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हो गया तो इनको सब्टेक्ट कर दीजिए तो ए क्यू माइनस ए क्यू डैश इक्वल टू तो क्या आ जाएगा डी म्यू इंटू बी सी बट फ्रॉम फिगर दिस ये देखिए आप ए क्यू डैश अप्रोक्सीमेटली ए आर के इक्वल है तो ये ले लीजिए आप ए क्यू डैश इक्वल टू ए आर तो ए क्यू माइनस ए क्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा ए क्यू माइनस ए आर इक्वल टू आर क्यू तो आर क्यू जो है आप देखिए इसमें वो किसके बराबर हो जाएगा डी म्यू इन बी सी के बराबर और आर क्यू ये आर क्यू ये हमारे पास आर्क है वो एंगल इंटू रेडियस ये आ जाएगा तो एंगल कितना है हमारे पास डी डेल्टा है और रेडियस है इसका सी क्यू ये सी क्यू रेडियस है इसका तो सी क्यू विल भी इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा RQ also equal to CQ into D delta और ये हमारे पास डी मू इन टू बी सी के बराबर है तो सी क्यू हमारे पास आ जाएगा अगर हम सी क्यू को जो हमारे पास है कैपिटल स्मॉल ई के, e के बराबर लें और बी सी को बराबर टी के ले लें थिकनेस ये हमारे पास है तो ई e डेल्टा किसके बराबर आ जाएगा डी म्यू इंटू टी तो डी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी टी इंटू डी मू अपॉन ही सो फॉर फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ फ्राउन ओपर डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट हमारे पास क्या है फ्राउन ऑपर से जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो क्या आता है ई साइन डी थीटा इक्वल टू लेमडा तो अगर डी थीटा की वैल्यू हमारे पास स्मॉल है बहुत स्मॉल होती है तो ये हम ले सकते हैं डी थीटा इक्वल टू लेमडा तो डी थीटा इक्वल टू लेमडा अपोनिंग फोर जस्ट रिजोल्यूशन ये हमारे पास क्या होना चाहिए ये डी डेल्टा जो है वो डी थीटा के बराबर होना चाहिए जैसे कि हमने पहले फ्राउन ओपर डिफ्लेक्शन में देखा तो ये टी mu इसका मतलब ये दिस शुड बी इक्वल टू तो दिस तो टी डी अपॉन ई इक्वल टू lambda अपॉन ई आ जाएगा तो इसका मतलब टी डी इक्वल टू तो लेमडा और जोलिंग पावर होती है प्रिज्म की वो क्या होती है equal to lambda upon d lambda तो lambda अपॉन d lambda lambda की वैल्यू ये रख दीजिए टी डी अपॉन d lambda तो इससे हमें पता चलता है कि जोलिंग पावर ऑफ एन प्रिज्म किसके proportion है थिकनेस ऑफ द हमारे पास जो है थिकनेस ऑफ द प्रिज्म ये जो है टी के बराबर है एंड आर इज प्रोपोर्शनल टू द डी म्यू अपॉन के प्रोपोर्शनल भी है जॉलिंग पावर थैंक यू